दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जो लोग फरार चल रहे थे उनमें से तीन और आरोपियों को ललितपुर एसओजी ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, बीएसपी के जिला अध्यक्ष दीपक अहरवार और एक जेई जिसका नाम महेंद्र दुबे बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। ललितपुर पुलिस की एक बड़ी चुनौती भी थी ललितपुर पुलिस के लिए इन दोनों को गिरफ्तार करना, और जिस तरीके से मांग उठ रही थी गिरफ्तारी की उसको लेके ललितपुर पुलिस पर एक दबाव भी था। उस दबाव को समय रहते कहें कि इग्नोर करने का काम एसओजी ने किया है और तत्काल गिरफ्तारी कर ली है। एसओजी प्रभारी अंजनी कुमार, मैं लगातार बोलता हूँ अंजनी कुमार के बारे में कि अंजनी कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके लिए काल हैं और वो काम करते हुए नजर आते हैं। ललितपुर एसओजी का सराहनीय कार्य इस समय है और लगातार ललितपुर एसओजी अच्छा काम कर रही है। इस पूरे प्रकरण में ललितपुर एसपी निखिल पाठक की अहम भूमिका है और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग लोग कर भी रहे थे और एसपी लगातार उसके लिए काम भी कर रहे हैं। झांसी डीआईजी का ललितपुर में आगमन हुआ था तभी लोग समझ चुके थे कि गिरफ्तारी होगी और उसको बाद लोग फरार भी हो चुके थे। अभी तक टोटल गिरफ्तारी की अगर हम बात करते हैं तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में। कोतवाली थाने में पंजीकृत एक मुकदमा हुआ है जिसमें कि एक नाबालिग द्वारा अपने साथ पिछले कई सालों से हुए बलात्कार की सूचना दी गई थी। इस क्रम में करीब 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता शामिल है। इसके अलावा सपा के जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोग शामिल हैं। पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी करने के लिए 7 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा झांसी एवं जालौन की भी 2 और 1 टीम इसमें लगी हुई है। जनपद ललितपुर की एसओजी और सर्विलांस टीम भी इसमें लगाई गई है और जल्द ही अन्य लोग जो वांछित हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।